गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं आपका थिएटर टीचर हूँ। आज की इस क्लास में बात करेंगे फोक थिएटर पपट की। पपट थिएटर फोक थिएटर का बहुत ही पुराना रूप है। ज़्यादातर ये थिएटर पपट राजस्थान के छोटे छोटे गांव हिस्सों में खेला जाता है। ये पपट लकड़ी के या कपड़े के बनाए जाते हैं। इन पपट में कई तरह के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जैसे राजा, रानी, स्पेरा, स्पेरन, सांप, डकैत, ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो पपट के रूप में बनाए जाते हैं। इन पपट को प्रेजेंट करने के लिए सामाजिक बुराइयों को लिया जाता है, जिसमें किसी न किसी बुराई को शो किया जाता है इन पपट के द्वारा। इनके अलावा राजा, रानी, डकैत, लवर्स, इनकी स्टोरी भी पपट के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। इन पपट को चलाने वाले को पपटियर कहते हैं। ये पपटियर इन पपट्स को धागे की सहायता से, बांस की सहायता से या हैंड की सहायता से भी चलाते हैं। पपट को चलाने के लिए निर्देशक या उसका लड़का या उसके फैमिली का कोई भी मेंबर पर्दे के पीछे उस पपट को स्ट्रिंग से, धागे से चलाता है, और उसकी वाइफ या कोई भी और मेंबर, ग्रुप का मेंबर, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग उस पपट को नरेशन करता है। नरेटर स्टोरी के अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग अपनी नरेशन देता है, और डायरेक्टर स्ट्रिंग चलाने वाला पपट को उस हिसाब से ही डायरेक्शन देता है ताकि स्टोरी ऑडियंस को क्लियर होती रहे। ये माना जाता है कि संस्कृत थिएटर के कैरेक्टर सूत्रधार का इजाद पपट थिएटर से ही हुआ है, जिसमें सब कुछ डायरेक्टर के हाथ में ही होता है। उसकी वागडोर डायरेक्टर के हाथ में ही होती है। कुछ पपट लेदर से बनाए जाते हैं, कुछ कपड़े के बनाए जाते हैं, और इनको डांग स्टिक की मदद से चलाया जाता है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए लैंप्स, लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। इन पपट को चलाने के लिए, दिखाने के लिए लैंप्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि शेडो, लाइट, साइज, इन सब का अलग अलग सीन दिखाया जा सके। पपट को चलाने के लिए पपटियर हैंड, फिंगर, एल्बो, फुट, हेड, नेक, ये सब तरह अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं। ये पपेट कई तरह के होते हैं, जैसे हैंड पपेट, फेस पपेट, हाफ बॉडी, फुल बॉडी पपेट।